मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्रीनिवास ने मुझे उस रोल के लिए चुना तो मैंने श्रीनिवास से पूछा श्रीनिवास तूने मुझे इस रोल के लिए क्यों चुना तो उसने मुझे कहा कि तेरी जो हंसी है और जो तेरा देखने का तरीका है तो मैंने कहा कि बट माई वाइफ फील दैट आई एम वेरी डिसेंट तो उसने कहा नहीं एज ए डायरेक्टर परस्पेक्टिव आई थिंक दैट यू आर नॉट दैट इस जब हमने ग्रेटर एलिफेंट की तो उस टाइम पे ही वॉज मोर एकोमोडेटिंग विच वॉज सरप्राइजिंग तो मैंने कहा कि क्या बात है एक्टर्स के इनपुट एक्सेप्ट uh, हो रहे हैं सो so, उसने कहा कि यस यस एवरीथिंग इज़ वेलकम नाउ तो आई वॉज वेरी हैप्पी सो उसने काफ़ी कुछ एक्टर्स uh, से मतलब जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज जो भी है उसमें अडाप्ट कर सकते हैं उस फिल्म के साथ में ही टुक आउट द बेस्ट मतलब और उसमें एक सबसे अच्छी बात है ही इज क्वाइट फोकस ऑन वॉट ही वॉन्ट्स एग्जैक्टली सो दैट्स द बेस्ट पार्ट टू बी वेरी फ्रेंक मैं मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था जब वो मुझे डिफाइन कर रहा था कैरेक्टर मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है तो उसने मुझसे एक ही बात कहा जब तूने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बोला आई एम बोल्ड और अभी तो आउट हो गया है तो मैं बोला ऐसी बात नहीं है मैं बिल्कुल इसको सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे मतलब जब मैंने सुनी स्क्रिप्ट एज ए ले मैन और एज एन एक्टर मतलब मैं मेरा वाफ एक्टर था जब परफॉर्मेंस की बात आई तो मैंने उससे इंटीग्रिटी पूछने की कोशिश की उसने कहा एग्जैक्टली जैसे लिखा है वैसे ही तो मैंने बोला मतलब कैन यू गिव मी सम बैकग्राउंड ऑन द कैरेक्टर बोला दैट इज वॉट द बैकग्राउंड इज मैन यू सीम टॉकिंग टू सम वन तो उसका बैकग्राउंड क्या है तू तो समझ में आएगा तू तो जब बात करते हुए सो so, मेरे लिए एक, अपने आप में एक चैलेंज था तो क्योंकि जैसे आपको डायरेक्टर से फीडबैक मिलता है कैरेक्टर के बारे में इस तरह से होगा तो उसने मुझे बताया कि ये कैरेक्टर एकदम जो लिखा हुआ है फिल्म में वही उसका बैकग्राउंड जब तू बात करे तो यू चेक द बैकग्राउंड एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई एन्जॉयड इट और uh, मैं फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और श्रेनी हैज अगेन ट्रस्टेड मी फॉर दिस कैरेक्टर तो होप मतलब जीवन में राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है लेकिन फिल्म में ये करते वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा इफ यू आस्क मी आई एम नॉट बायस बट ग्रेटर एलिफेंट मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग था एज एन एक्टर डेफिनेटली हमारे देश में आज तक इस तरह की कहानी पे शायद ही कोई फिल्म टी वी सी या सीरियल कुछ बना हो दोनों का एक्सपीरियंस पहले में ज़्यादा इंडिपेंडेंट था ग्रेटर एलिफेंट में और बर्फी में इट वॉज़ ऑल मोर कंट्रोल्ड मैं ऑडियंस से एक ही निवेदन करूँगा कि अगर आप फिल्म देखें तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को बताएं और अगर आपको डिफरेंट लगे तो भी अपने दोस्तों को बताएं उन्हें ये ज़रूर कहें कि ये फिल्म देखने की एक बार वो कोशिश करें जरूरत नहीं कोशिश करें एंड दे विल लव इट एंड दे विल डेफिनेटली पास ऑन द मैसेज टू अदर पीपल